तो गाइस अभी अभी वाइट सिक्स वर्सेस दी अमेरिकन मेड के बीच एक एट मैन स्ट्रीट फाइट मैच खत्म हो चुका है और यहां पर जीत हो चुकी है वाइट सिक्स की। तो क्या सीन हमें इस मैच के दौरान देखने को मिला, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस मैच के दौरान हमें काफी कमाल कमाल के मोमेंट्स देखने को मिले, जैसे कि वहां पर एक मोमेंट ऐसा आता है जब निकी क्रॉस आईवी नाइल के सर पर क्रैश कैन को फंसा देती हैं और इसके बाद उन्हें कैंडो स्टिक से मारती हैं। पूरे मैच के दौरान यहां पर एरिक रोवन सब पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये सारे मिलकर एरिक रोवन पर टूट पड़ते हैं और उनके ऊपर यहाँ पर चेयर्स टेबल्स और स्टील स्टेप्स को डाल दिया जाता है। इसके बाद कुछ देर के लिए यहाँ पर एरिक रोवन मैच से बाहर हो जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर जो अमेरिकन मेड है वो यहाँ पर वाइट सिक्स पर भारी पड़ते हुए नजर आती है, लेकिन जब एक बार फिर से यहाँ पर एरिक रोवन की वापसी होती है तो वो बैरिकेड को तोड़कर लाते हैं और सभी पर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करते हैं। मैच के दौरान वो मोमेंट काफी ज्यादा ब्रूटल था जब यहाँ पर चैट गेबल ने जो गेसी को एक एंकल लॉक में फंसाया होता है, वहीं आईवी नाइल उन्हें कैंडो स्टिक से मार रही होती हैं ताकि वो यहां पर टैप आउट कर सकें। लेकिन तभी यहां पर निकी क्रॉस आती हैं और वो इस मैच को बचाती हैं। इसके बाद मैच में हमें अंकल हाउडी की भी एंट्री देखने को मिलती है और उनकी तरफ से हमें यहाँ पर एक सिस्टर एविगेल देखने को मिलता है। एंड में डेक्सटर लूमिस टॉप रोप से एक स्प्लैश लगाते हैं 1-2-3 और यहाँ पर जीत हो जाती है वाइट सिक्स की। और इसी तरह से हमें वाइट सिक्स स्टैंड ऑल करते हुए नजर आई। बाकी गाइस आज की वीडियो बस ये तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मैच कैसा लगा। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।